हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 9 सोयल की रीडिंग को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज ऑफ सोयल। यू हैव लिस्टेड सम यूसेज ऑफ सोयल, यानी कि अब आप सोयल के यूसेज के बारे में जानते हैं। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज टू फाइंड द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोयल। अब हम कुछ एक्टिविटीज के द्वारा ये समझेंगे कि सोयल की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सोयल के बारे में। परकोलेशन क्या होता है? परकोलेशन होता है मिट्टी के द्वारा पानी को एब्जॉर्ब किया जाना। मिट्टी पानी को जो एब्जॉर्ब करती है इसको हम परकोलेशन कहते हैं। और परकोलेशन रेट क्या होता है कि मिट्टी किस स्पीड से पानी को एब्जॉर्ब करती है, ये परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सोयल कहलाता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर कोई मिट्टी बहुत तेजी से पानी को एब्जॉर्ब करती है तो उस मिट्टी का परकोलेशन रेट ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा होगा, और अगर कोई मिट्टी बहुत स्लोली पानी को एब्जॉर्ब करती है तो उस मिट्टी का परकोलेशन रेट ऑफ वाटर कम होगा। बूझो एंड पहेली मार्क्ड टू डिफरेंट स्क्वेयर्स ऑफ 50 सेंटीमीटर × 50 सेंटीमीटर ईच, वन ऑन द फ्लोर ऑफ देयर हाउस एंड द अदर ऑन द कच्चा रोड। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि बूझो और पहेली ने 50 सेंटीमीटर साइड वाले दो स्क्वायर ड्रॉ किए। एक स्क्वायर अपने घर के पक्के फर्श पे ड्रॉ किया और एक स्क्वायर कच्चा रोड पे ड्रॉ किया। दे फिल्ड टू बॉटल्स ऑफ द सेम साइज विद वाटर, उन्होंने दो बॉटल्स ली सेम साइज की और उन दोनों बॉटल्स को पानी से भर दिया। दे एम्प्टेड द वाटर फ्रॉम द बॉटल्स वन ईच एट द सेम टाइम इन द टू स्क्वायर्स। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि एक बॉटल का सारा पानी उन्होंने जो घर के पक्के फर्श पे स्क्वायर बनाया था उस पे डाल दिया, और दूसरी बॉटल का सारा पानी जो उन्होंने कच्चा रोड पे जो स्क्वायर बनाया था उसमें डाल दिया। दे ऑब्जर्व्ड दैट द वाटर ऑन द फ्लोर फ्लोट डाउन एंड वॉज नॉट एब्जॉर्ब्ड। अब उन्होंने देखा कि घर के पक्के फर्श पे जो स्क्वायर उन्होंने बनाया था जिसमें उन्होंने पानी डाला है वो पानी बह गया और वो एब्जॉर्ब नहीं हुआ। ऑन द कच्चा रोड ऑन दी अदर हैंड द वॉटर वॉज एब्जॉर्ब्ड, लेकिन जो पानी उन्होंने कच्चा रोड पे जो स्क्वायर बनाया था उसमें डाला था वो पानी एब्जॉर्ब हो गया। नाउ लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस। अब हम एक एक्टिविटी के द्वारा इस प्रोसेस को समझेंगे कि कच्चा रोड पे जो पानी डाला गया था वो एब्जॉर्ब क्यों हो गया था और पक्के फर्श पर जो पानी डाला गया था वो एब्जॉर्ब क्यों नहीं हुआ। ये एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले आप ये समझिए स्टूडेंट्स कि जो कच्चा रोड है उस पर जो पानी डाला गया वो एब्जॉर्ब क्यों हो गया, और जो पक्का फर्श है घर का उस पर जो पानी डाला गया वो एब्जॉर्ब क्यों नहीं हुआ। देखिए, जो कच्चा रोड होता है स्टूडेंट्स उस पर जो सोयल होती है उसमें पोर्स होते हैं, यानी कि छेद होते हैं। तो जब उस सोयल पर पानी डाला जाता है तो वो पानी उन पोर्स से होता हुआ नीचे की तरफ जाता है, यानी कि सोयल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। लेकिन जो घर का पक्का फर्श होता है उसमें पोर्स नहीं होते हैं, वो टाइटली पैक्ड होता है, क्लोजली पैक्ड होता है, तो उसमें पानी के नीचे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं होता। इसलिए घर के पक्के फर्श पे अगर पानी डाला जाए तो वो पानी एब्जॉर्ब नहीं होता है। अब हम एक्टिविटी 9.4 देखेंगे। इस एक्टिविटी में हम समझेंगे स्टूडेंट्स कि किसी सोयल का परकोलेशन रेट कैसे फाइंड किया जाता है। फॉर दिस एक्टिविटी डिवाइड योरसेल्फ इनटू 3 टीम्स। इस एक्टिविटी के लिए आप 3 टीम बना लीजिए। नेम द टीम्स ए बी एंड सी, और इन 3 टीम्स को आप नाम दे दीजिए टीम ए टीम बी एंड टीम सी। यू विल बी फाइंडिंग आउट हाउ फास्ट द वाटर पासिस डाउन द सॉयल। अब आपको ये पता करना है स्टूडेंट्स कि सॉयल से जो पानी नीचे की तरफ जाता है, यानी कि सॉयल के द्वारा जो पानी एब्जॉर्ब होता है वो कितनी स्पीड से होता है। यू विल नीड अ होलो सिलेंडर और अ पाइप। इसके लिए आपको एक होलो सिलेंडर या एक पाइप की जरूरत होगी। एंश्योर दैट ईच टीम यूजेस पाइप्स ऑफ द सेम डायमीटर। आपको ये भी ध्यान देना स्टूडेंट्स कि तीनों टीम्स के पास सेम डायमीटर वाला पाइप होना चाहिए। सम सजेशंस फॉर ऑब्टेनिंग सच अ पाइप आर गिवन बिलो, और तीनों टीम्स के द्वारा कैसे पाइप्स यूज होने चाहिए ये यहाँ पर हमें सजेस्ट किया गया है। If possible, get a small tin can and cut off its bottom. अगर ये possible है तो एक छोटी tin can ले लीजिए और उसे bottom से काट दीजिए। If PVC pipe approximately diameter 5 cm is available,
कट इट इंटू 20 सेंटीमीटर लॉन्ग पीसेस एंड यूज दैम। और अगर पीवीसी पाइप्स अवेलेबल है तो उसमें आपने ध्यान देना है कि उनका डायमीटर 5 सेंटीमीटर हो और 20 सेंटीमीटर लंबा आपने ये पाइप यूज़ करना है। यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है स्टूडेंट्स कि अगर तीनों टीम्स के पास टिन कैन हैं तो वो तीनों टिन कैन एक ही तरह की होनी चाहिए और बॉटम से कटी होनी चाहिए। और अगर तीनों टीम्स के पास पाइप्स हैं तो सभी पाइप्स के डायमीटर 5 सेंटीमीटर होने चाहिए और लेंथ 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एट द प्लेस वेयर यू क्रैक द सॉयल प्लेस द पाइप अबाउट 2 सेंटीमीटर डीप इन द ग्राउंड। यानी कि अब इस पाइप को एक साइड से 2 सेंटीमीटर गहराई तक आपने मिट्टी के अंदर डाल देना है। पोर 200 मिलीलीटर वाटर इन द पाइप स्लोली। अब धीरे धीरे 200 मिलीलीटर वाटर आप इस पाइप में डालेंगे। फॉर मेजरिंग 200 मिलीलीटर वाटर यू कैन यूज एनी एम्प्टी 200 मिलीलीटर बॉटल। और 200 मिलीलीटर वाटर को मेजर करने के लिए आप 200 मिलीलीटर वाटर का यूज कर सकते हैं। नोट द टाइम वेन यू स्टार्ट पोरिंग वाटर। और जब आपने पानी डालना स्टार्ट किया पाइप में आप टाइम को नोट कर लेंगे। वेन ऑल द वाटर हैज परकोलेटेड लीविंग द पाइप एम्प्टी। यानी कि जब सारा पानी परकोलेट हो जाएगा सोयल के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएगा और अब उस पाइप में बिल्कुल भी पानी नहीं रहेगा। नोट द टाइम अगेन, फिर दोबारा टाइम नोट कीजिए। बी केयरफुल नॉट टू लेट द वॉटर स्पिल ओवर और रन डाउन ऑन द आउटसाइड ऑफ द पाइप वाइल पोरिंग। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स, जब आप पाइप में पानी डालेंगे तो आपको ये भी ध्यान रखना है पानी इतना ज़्यादा नहीं डाल देना है कि पानी पाइप से बाहर आ जाए और फैल जाए। कैलकुलेट द रेट ऑफ परकोलेशन बाई यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। अब हम वो फार्मूला देखेंगे जिसके द्वारा रेट ऑफ परकोलेशन फाइंड किया जा सकता है, कैलकुलेट किया जा सकता है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि परकोलेशन रेट मिलीलीटर पर मिनट के हिसाब से निकाला जाता है, यानी पर मिनट कितना मिलीलीटर पानी सोयल के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है यही परकोलेशन रेट होता है। तो परकोलेशन रेट का फॉर्मूला क्या होता है, परकोलेशन रेट जो निकाला जाता है मिलीलीटर पर मिनट के हिसाब से इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वाटर इन मिलीलीटर डिवाइडेड बाय परकोलेशन टाइम इन मिनट्स। यानी कि कितना पानी एब्जॉर्ब किया गया कितने मिनट में यही परकोलेशन रेट बताता है। अब हम इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। सपोज दैट फॉर अ सर्टेन सैंपल इट टुक 20 मिनट्स फॉर 200 मिलीलीटर टू परकोलेट। यानी कि आपने कोई सोयल ली और उसमें 200 मिलीलीटर पानी डाला और उसको परकोलेट होने में यानी कि एब्जॉर्ब होने में 20 मिनट लगे। अब हम इस सोयल का रेट ऑफ परकोलेशन कैसे फाइंड करेंगे। रेट ऑफ परकोलेशन इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिखेंगे कितना अमाउंट वाटर था, तो यहाँ 200 मिलीलीटर वाटर था तो न्यूमरेटर में हम लिखेंगे 200 मिलीलीटर, डिवाइड करेंगे कितना टाइम लगा परकोलेशन में, 20 मिनट लगा। अब जब आप 200 को 20 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 10 मिलीलीटर पर मिनट। यानी कि हर मिनट में 10 मिलीलीटर पानी एब्जॉर्ब हो रहा था। तो इस सोयल का जो रेट ऑफ परकोलेशन है स्टूडेंट्स वो है 10 मिलीलीटर पर मिनट। इसके बाद हमसे कहा गया है कैलकुलेट द रेट ऑफ परकोलेशन इन योर सोयल सैंपल। यानी कि आपकी टीम ने जो सोयल यूज करी उसका रेट ऑफ परकोलेशन कैलकुलेट कीजिए। कंपेयर योर फाइंडिंग्स विद अदर्स एंड अरेंज द सोयल सैंपल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ परकोलेशन। और उसके बाद आपकी टीम की सोयल का जो परकोलेशन रेट है उसको आप कंपेयर करेंगे दूसरे टीम्स के सोयल के परकोलेशन रेट के साथ और फिर आप इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में नोट करेंगे। यानी यहाँ पर आपको ये चेक करना है कि किस सोयल का परकोलेशन रेट सबसे कम है, फिर उसके बाद आप देखेंगे किस सोयल का परकोलेशन रेट उससे ज़्यादा है और उसके बाद आप देखेंगे किस सोयल का परकोलेशन रेट सबसे ज़्यादा है। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स मॉइस्चर इन सोयल के बारे में। मॉइस्चर का मतलब होता है पानी की क्वांटिटी, ठीक है। हैव यू एवर पास्ड थ्रू अ फार्मलैंड ड्यूरिंग अ हॉट समर डे। क्या कभी गर्मियों के दिनों में आप किसी खेत से गुजरे हैं। परहैप्स यू नोटिस्ड दैट द एयर अबव द लैंड इज शिमरिंग। और अगर आप किसी गर्म दिन पे खेत से गुजरते हैं तो आपको ये नजर आएगा कि जो हवा होती है वो शिमरिंग करती है यानी कि झिलमिलाती है। ऐसा क्यों होता है, वाई इज इट सो। ट्राई आउट दिस एक्टिविटी एंड फाइंड द आंसर। अब हम इस एक्टिविटी के द्वारा समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है।
अब हम एक्टिविटी 9.5 देखेंगे। टेक अ बॉयलिंग ट्यूब, आपको एक बॉयलिंग ट्यूब लेनी है। पुट टू स्पूनफुल्स ऑफ अ सॉयल सैंपल इन इट, और उस बॉयलिंग ट्यूब में दो चम्मच मिट्टी डाल दीजिए। हीट इट ऑन अ फ्लेम एंड ऑब्जर्व इट। अब जिस ट्यूब में आपने दो चम्मच मिट्टी डाली है, सॉयल डाली है, अब आप इसे हीट दीजिए और इसको ऑब्जर्व कीजिए। लेट अस फाइंड आउट व्हाट हैपेंस अपॉन हीटिंग, अब हम देखेंगे कि हीट देने पर क्या होता है। डू यू सी वॉटर ड्रॉप्स एनी वेयर, क्या आपको कहीं वाटर ड्रॉप्स नजर आती है? इफ येस, वेयर डिड यू फाइंड देम, और अगर नजर आती है तो इस बॉइलिंग ट्यूब में आपको वॉटर ड्रॉप्स कहाँ नजर आती है? ऑन हीटिंग वाटर इन द सॉयल इवेपोरेट्स, जब आप हीट देते हैं तो सॉयल में जो वाटर होता है वो इवेपोरेट हो जाता है, यानी गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है। मूव्स अप, ऊपर की तरफ उठता है, एंड कंडेंसेस ऑन द कूलर इनर वॉल्स ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब, और जब ये पानी इवेपोरेट होकर ऊपर की तरफ उठता है तो ये ठंडा होता है, और ठंडा होने से ये वाटर ड्रॉपलेट में चेंज हो जाता है, और बॉइलिंग ट्यूब का जो अपर पार्ट है, यानी कि बॉइलिंग ट्यूब का जो ऊपर वाला पार्ट है, उसमें अंदर की तरफ हमें ये वाटर ड्रॉपलेट्स नजर आते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये एक बॉइलिंग ट्यूब है, इसमें आपने मिट्टी ली और नीचे एक बर्नर के थ्रू यहाँ पर आपने ये आग जलाई, और जब यहाँ पर हीट बढ़ेगी तो इस सॉयल में जो पानी होगा वो इवेपोरेट होकर ऊपर की तरफ जाएगा, और जब पानी यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर इसे ठंडक मिलेगी और ये वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज होकर यहाँ पर जो इनर वॉल्स होती है इस बॉइलिंग ट्यूब की, यहाँ पर हमें ये पानी वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में नजर आएगा। ऑन अ हॉट समर डे द वेपर कमिंग आउट ऑफ द सॉयल रिफ्लेक्ट द सनलाइट एंड द एयर अबव द सॉयल सीम्स टू शिमर। अब जैसा कि हमसे कहा गया था स्टूडेंट्स कि अगर आप किसी खेत में जाते हैं किसी गर्म दिन पे, तो उस खेत के ऊपर जो हवा होती है वो आपको झिलमिलाती हुई नजर क्यों आती है? यहाँ पर इसी का आंसर दिया गया है कि किसी गर्म दिन पे जो खेत की जो मिट्टी होती है उसका पानी इवेपोरेट होकर ऊपर की तरफ उठता है और वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से खेत के ऊपर की जो हवा होती है वो हमें शिमर करती हुई, यानी कि झिलमिलाती हुई नजर आती है। आफ्टर हीटिंग द सॉयल टेक इट आउट ऑफ द ट्यूब, यानी कि यहाँ पर ट्यूब में जो हमने सॉयल ली और उसको गर्म किया, अब हमें उसको ट्यूब से बाहर निकालना है। कंपेयर इट विद द सॉयल विच हैज नॉट बीन हीटेड, अब हमें इस मिट्टी को कंपेयर करना है उस मिट्टी के साथ जिसको हीट नहीं दी गई। नोट द डिफरेंस बिटवीन द टू, अब हमें इन दोनों सॉयल्स, इन दोनों तरह की मिट्टी में डिफरेंस बताना है। तो जिस सॉयल को हीट दी जाएगी उसका पानी इवेपोरेट हो जाएगा और वो सॉयल ड्राई हो जाएगी, और जिस सॉयल को हीट नहीं दी जाती है उसमें मॉइस्चर रहता है, यानी उसमें पानी की क्वांटिटी होती है। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉयल। डू ऑल द सॉयल्स एब्जॉर्ब वाटर टू द सेम एक्सटेंट, लेट अस फाइंड आउट। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स, क्या हर टाइप की मिट्टी एक ही क्वांटिटी में पानी को एब्जॉर्ब करती है? अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम एक्टिविटी 9.6 देखेंगे। टेक अ प्लास्टिक फनल, आपको एक प्लास्टिक फनल लेना है। टेक अ फिल्टर पेपर और अ पीस ऑफ न्यूज़पेपर शीट, फोल्ड एंड प्लेस इट एज शोन इन द फिगर। अब आपको एक फिल्टर पेपर लेना है स्टूडेंट्स, और उसे फोल्ड करके फनल में लगाना है। वेट 50 ग्राम ऑफ ड्राई पाउडर्ड सॉयल एंड पोर इट इन टू द फनल। अब आपको 50 ग्राम मिट्टी लेनी है स्टूडेंट्स पाउडर के रूप में, और उसे फनल में डालना है। मेजर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर इन अ मेजरिंग सिलेंडर एंड पोर इट ड्रॉप बाय ड्रॉप ऑन द सॉयल। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि अब आप एक पर्टिकुलर अमाउंट ले लेंगे वाटर का, और ड्रॉप बाय ड्रॉप उस वाटर को आप सॉयल पे डालेंगे। You can use a dropper for this purpose. आप इस काम के लिए एक ड्रॉपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। Do not let all the water fall at one spot. आपने ये भी ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि सारा पानी आप एक ही जगह पर नहीं डालेंगे। Pour water all over the soil. आप पूरी सॉइल के ऊपर पानी डालेंगे। Keep pouring water till it starts dripping. और आप तब तक ये पानी डालते रहेंगे जब तक कि पानी ड्रिप होकर नीचे बीकर में आना ना स्टार्ट हो जाए। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने एक बीकर लिया है, उस बीकर में ये फनल लगाया है, फनल में फिल्टर पेपर लगाया गया है, और इसी फनल में मिट्टी भी डाली है, और इस ड्रॉपर की मदद से हम ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी डाल रहे हैं पूरी मिट्टी के ऊपर।
और हमें ये पानी तब तक डालते रहना है जब तक ये पानी यहाँ पर नीचे ड्रिप होकर इस बीकर में आना स्टार्ट ना हो जाए। इसके बाद हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्ट द अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द अमाउंट यू स्टार्टेड विद। दिस इज द अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन्ड बाय द सोयल। अब मान लीजिए स्टूडेंट्स, आप इस ड्रॉपर की मदद से इस फनल में 30 मिलीलीटर पानी डालते हैं और नीचे बीकर में आपको 10 मिलीलीटर पानी ही मिलता है, तो बाकी का 20 मिलीलीटर पानी कहा गया, वो 20 मिलीलीटर पानी यहाँ पर जो सोयल थी उसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया। रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स इन योर नोटबुक इन द फॉलोइंग मैनर। अब आप अपनी नोटबुक में अपने रिजल्ट्स को रिकॉर्ड करेंगे और ये कैलकुलेशन आप किस तरीके से करेंगे वो यहाँ पर आपको समझाया गया है। वेट ऑफ सोयल इज इक्वल टू 50 ग्राम। हमने यहाँ पर मान लीजिए कि 50 ग्राम सोयल ली है। इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर इज इक्वल टू यू मिलीलीटर। और आपने टोटल कितना पानी यहाँ पर डाला है मिट्टी में, मान लेते हैं कि आपने यू मिलीलीटर पानी डाला है। फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर इज इक्वल टू वी मिलीलीटर। और बीकर में आपको फाइनली कितना पानी मिला है वो हम मान लेते हैं कि वी मिलीलीटर पानी आपको बीकर में मिला। वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सोयल इज इक्वल टू यू माइनस वी मिलीलीटर। यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाटर कितनी है जो कि मिट्टी के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली गई, तो वो हम कैसे निकालेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि आपने 30 मिलीलीटर पानी लिया और उसको आपने मिट्टी पे डाला और आपको नीचे बीकर में 10 मिलीलीटर पानी मिला, तो कितनी वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब की गई सोयल के द्वारा वो आप कैसे निकालेंगे। 30 माइनस 10, यानी कि जितना पानी आपने डाला वो उसको हमने यू रेट किया है और जितना पानी आपको बीकर में मिला उसको हमने वी रेट किया है। तो 30 माइनस 10 इज इक्वल टू 20 मिलीलीटर, यानी कि 20 मिलीलीटर पानी सोयल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया। और अगर इसी को हम वॉल्यूम की बजाय वेट में कैलकुलेट करते हैं तो हम कैसे करेंगे। वेट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सोयल, यानी कि सोयल ने कितना पानी एब्जॉर्ब किया, अब हम ये वेट में निकालेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, यू माइनस वी, अब हम यहाँ पर जी यूज करेंगे यानी ग्राम। और यहाँ पर हमें यह भी कहा गया है, 1 मिलीलीटर ऑफ वाटर हैज वेट इक्वल टू 1 ग्राम, यानी 1 मिलीलीटर ऑफ वाटर 1 ग्राम वेट के इक्वल होता है। अब हम ये देखेंगे स्टूडेंट्स कि अगर हमें ये पता करना है कि जितना पानी हमने डाला था उसमें से कितना पानी सोयल के द्वारा एब्जॉर्ब किया गया, अगर हमें ये परसेंटेज में पता करना है कि सोयल ने कितना परसेंट पानी एब्जॉर्ब किया है, तो वो हम कैसे निकालेंगे। तो हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब इज इक्वल टू यू माइनस वी, यू यानी जितना पानी हमने डाला, माइनस वी यानी जितना पानी बीकर में बाद में हमें मिला, डिवाइडेड बाय 50, क्योंकि हमने 50 ग्राम मिट्टी ली थी, और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो इसके बाद हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या होगा कि कितना परसेंट वाटर सोयल के द्वारा एब्जॉर्ब किया गया है। रिपीट दिस एक्टिविटी विद डिफरेंट सोयल सैंपल्स। अब हमसे कहा गया है कि यही एक्टिविटी हमें अलग अलग टाइप के सोयल के साथ करनी है। वुड यू गेट द सेम रिजल्ट फॉर ऑल द सैंपल्स। क्या आपको हर सोयल के सैंपल के साथ सेम रिजल्ट मिलता है। डिस्कस द रिजल्ट्स विद योर फ्रेंड्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अपने रिजल्ट्स को आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करेंगे और अब हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हमें उनका आंसर देना है। यहाँ पर आप ये बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि अलग अलग टाइप के सोयल्स अलग अलग क्वांटिटी में और अलग अलग स्पीड से वाटर को एब्जॉर्ब करती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया स्टूडेंट्स, विच सोयल वुड हैव द हाईएस्ट परकोलेशन रेट, यानी कि किस सोयल में परकोलेशन रेट हाईएस्ट होता है। तो यहाँ सही आंसर है सैंडी सोयल। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, सैंडी सोयल वाटर को होल्ड करके नहीं रख सकती, उसमें पानी तेजी से नीचे की तरफ चला जाता है, इसलिए सैंडी सोयल में परकोलेशन रेट हाईएस्ट होता है। इसके बाद हमसे पूछा गया है, विच सोयल वुड हैव द लोएस्ट परकोलेशन रेट, किस सोयल में परकोलेशन रेट लोएस्ट होता है। तो यहाँ आंसर रहेगा क्लेई सोयल। जो क्लेई सोयल होती है स्टूडेंट्स, ये वाटर को होल्ड करके रखती है, तो क्लेई सोयल में जो पानी होता है वो तेजी से नीचे नहीं जा पाता, इसलिए क्लेई सोयल में परकोलेशन रेट लोएस्ट होता है। उसके बाद हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, बूझो हर्ड फ्रॉम हिज नेबरर दैट 8 to 10 days आफ्टर द रेन द लेवल ऑफ वाटर इन अ पॉन्ड और वेल राइजेज।
यानी कि बूझो ने अपने आसपास से सुना है कि बारिश के 8 से 10 दिन के बाद जो पॉन्ड यानी कि तालाब और वेल यानी कि कुओं का जो पानी का लेवल होता है वो ऊपर की तरफ आ जाता है, राइज करता है। विच टाइप ऑफ सॉयल विल अलाउ वाटर टू रीच अ वेल फास्टर एंड इन ग्रेटर अमाउंट। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि वो कौन सी मिट्टी है जिससे पानी तेजी से और ज़्यादा क्वांटिटी में कुओं या तालाबों तक पहुँचता है। तो इसका सही आंसर है सैंडी सॉयल। सैंडी सॉयल पानी को होल्ड करके नहीं रख पाती है, तो अगर कहीं पर सैंडी सॉयल होती है तो वहां पर जो बारिश का पानी होता है वो तेजी से नीचे की तरफ जाता है और कुओं का और तालाब का जो पानी का लेवल होता है वो ऊपर की तरफ उठ जाता है क्योंकि उनमें पानी की मात्रा बढ़ जाती है। उसके बाद हमसे पूछा गया है विच टाइप ऑफ सॉयल रिटेन्स द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर एंड विच रिटेन्स द लीस्ट। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि कौन सी सॉयल सबसे ज़्यादा पानी को होल्ड करके रख सकती है। तो इसका सही आंसर है क्ले सॉयल। और उसके बाद हमसे पूछा गया है कि कौन सी सॉयल सबसे कम पानी को होल्ड करके रख सकती है। तो इसका आंसर है सैंडी सॉयल। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स सॉयल एंड क्रॉप्स के बारे में, यानी कि किस तरह की मिट्टी में कौन सी क्रॉप्स उगाई जा सकती हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉयल्स आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। भारत के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरह की सॉयल पाई जाती है। इन सम पार्ट्स देयर इज क्ले सॉयल, कुछ पार्ट्स में क्ले सॉयल पाई जाती है। इन सम पार्ट्स देयर इज लोमी सॉयल, कुछ पार्ट्स में लोमी सॉयल पाई जाती है। वाइल इन सम अदर पार्ट्स देयर इज सैंडी सॉयल, जबकि कुछ पार्ट्स में सैंडी सॉयल भी पाई जाती है। उसके बाद हमसे कहा गया स्टूडेंट्स सॉयल इज अफेक्टेड बाय विंड रेनफॉल टेम्परेचर लाइट एंड ह्यूमिडिटी। यानी कि जो सॉयल है वो अफेक्ट होती है विंड से, रेनफॉल से, टेम्परेचर से, लाइट से और ह्यूमिडिटी से। दीज आर सम इम्पोर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स विच अफेक्ट द सॉयल प्रोफाइल एंड ब्रिंग चेंजेस इन द सॉयल स्ट्रक्चर। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि विंड रेनफॉल टेम्परेचर लाइट और ह्यूमिडिटी ये सभी क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं और इन्हीं के प्रभाव की वजह से अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। जैसे कि कहीं बारिश ज़्यादा होती है, कहीं बारिश कम होती है, कहीं टेम्परेचर ज़्यादा होता है, कहीं टेम्परेचर कम होता है, किसी जगह पर विंड स्पीड ज़्यादा होती है तो किसी जगह पर विंड स्पीड कम रहती है, कहीं लाइट ज़्यादा होती है तो किसी जगह पर लाइट कम होती है, किसी जगह पर अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा और किसी दूसरी जगह पर ह्यूमिडिटी कम है, तो इन सभी क्लाइमेटिक फैक्टर्स की वजह से अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार की सॉयल पाई जाती है। द क्लाइमेटिक फैक्टर्स एज वेल एज द कॉम्पोनेंट्स ऑफ सॉयल डिटरमिन द वेरियस टाइप्स ऑफ वेजिटेशन एंड क्रॉप्स दैट माइट ग्रो इन एनी रीजन। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स के डिफरेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स की वजह से और डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ सॉयल की वजह से हमें अलग अलग जगहों पर अलग अलग वेजिटेशन और अलग अलग तरह की क्रॉप्स देखने को मिलती हैं। क्ले एंड लोमी सॉयल्स आर बोथ सुटेबल फॉर ग्रोइंग सीरियल्स लाइक वीट एंड ग्राम। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि जो सीरियल्स क्रॉप्स होती हैं जैसे कि वीट एंड ग्राम, इनके लिए क्ले एंड लोमी सॉयल्स सुटेबल होती हैं। सच सॉयल्स आर गुड एट रिटेनिंग वाटर। यानी कि क्ले सॉयल एंड लोमी सॉयल वाटर को होल्ड करके रख सकती हैं। उसके बाद हमसे कहा गया है फोर पैडी, पैडी यानी धान। सॉयल रिच इन क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड हैविंग अ गुड कैपेसिटी टू रिटेन वाटर आर आइडियल। यानी कि धान की खेती के लिए कैसी मिट्टी अच्छी होती है, ऐसी मिट्टी जो क्ले से भरी हुई हो और जिसमें ऑर्गेनिक मैटर भी हो और जिसकी वाटर को होल्ड करने की, वाटर को रिटेन करने की कैपेसिटी भी अच्छी हो, ऐसी मिट्टी पैडी के लिए यानी धान की खेती के लिए अच्छी होती है। फॉर लेंटिल्स जिसे हम मसूर भी कहते हैं एंड अदर पल्सेस लोमी सॉयल्स विच ड्रेन वाटर इजली आर रिक्वायर्ड। यानी कि मसूर की दाल के लिए और दूसरी दालों के लिए कौन सी सॉयल अच्छी होती है, लोमी सॉयल अच्छी होती है। फॉर कॉटन सैंडी लोम और लोम विच ड्रेन वाटर इजली एंड कैन होल्ड प्लेंटी ऑफ एयर आर मोर सुटेबल।
इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि कॉटन की खेती के लिए या तो सैंडी लोम सॉयल होनी चाहिए, यानी ऐसी सॉयल जो सैंड और लोम का मिक्सचर हो, या सिर्फ लोमी सॉयल होनी चाहिए, क्योंकि इसमें हवा की मात्रा ज़्यादा रहती है जो कि कॉटन की खेती के लिए अच्छा होता है। इसके बाद हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, क्रॉप्स सच एज वीट आर ग्रोन इन द फाइन क्ले सॉयल्स बिकॉज दे आर रिच इन ह्यूमस एंड आर वेरी फर्टाइल। यानी कि हम वीट को क्ले सॉयल में उगा सकते हैं क्योंकि क्ले सॉयल ह्यूमस से भरी होती है और बहुत ज़्यादा फर्टाइल यानी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। इसके बाद हमसे पूछा गया स्टूडेंट्स, विच काइंड ऑफ सॉयल वुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर प्लांटिंग राइस, यानी कि राइस की खेती के लिए कौन सी मिट्टी मोस्ट सुटेबल है, सॉयल विद अ हायर और लोअर रेट ऑफ परकोलेशन, यानी कि ऐसी मिट्टी जिसका रेट ऑफ परकोलेशन ज़्यादा हो, या ऐसी मिट्टी जिसका रेट ऑफ परकोलेशन कम हो। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, राइस की खेती के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो राइस ऐसी मिट्टी में उगाया जा सकता है जिसका रेट ऑफ परकोलेशन कम हो, यानी जो पानी को होल्ड करके रख सके, तो इसके लिए लोमी सॉयल या क्ले सॉयल अच्छी रहती है, क्योंकि लोमी सॉयल एंड क्ले सॉयल पानी को होल्ड करके रख सकते हैं, जो कि राइस की खेती के लिए ज़रूरी होता है। अब हम पढ़ेंगे सोयल एरोजन के बारे में। सोयल एरोजन क्या होता है? मिट्टी का अपनी जगह से दूर चले जाना, मिट्टी का अपनी जगह से हट जाना सोयल एरोजन कहलाता है स्टूडेंट्स, जो कि तेज़ हवा के द्वारा होता है या तेज़ पानी के बहाव के द्वारा होता है। जब बाढ़ आती है या बहुत तेज़ आंधी चलती है तो मिट्टी अपनी जगह से हट जाती है, और ये चीज़ यानी कि सोयल एरोजन उस जगह के लिए अच्छा नहीं होता। द रिमूवल ऑफ लैंड सरफेस बाय वाटर विंड और आइस इज नोन एज एरोजन। यानी कि लैंड सरफेस का अपनी जगह से हट जाना, यानी कि मिट्टी का अपनी जगह से हट जाना वाटर के द्वारा, विंड के द्वारा, आइस के द्वारा, ये एरोजन कहलाता है। प्लांट रूट्स फर्मली बाइंड द सोयल। प्लांट्स की जो रूट्स होती है स्टूडेंट्स, वो सोयल को मजबूती से बांध के रखती हैं, यानी होल्ड करके रखती हैं। इन द एब्सेंस ऑफ प्लांट्स सोयल बिकम्स लूज। लेकिन अगर किसी जगह पर प्लांट्स नहीं होते तो जो सॉयल होती है वो लूज हो जाती है। सो इट कैन बी मूव्ड बाय विंड एंड फ्लोइंग वाटर। और ये लूज सॉयल पानी के द्वारा और विंड के द्वारा अपनी जगह से हट जाती है। एरोजन ऑफ सॉयल इज मोर सीवियर इन एरियाज ऑफ लिटिल और नो सरफेस वेजिटेशन सच एज डेजर्ट और बेयर लैंड्स। यानी कि जिन जगहों पर प्लांट्स नहीं होते हैं, जैसे कि डेजर्ट या बेयर लैंड्स, यहाँ पर जो सोयल एरोजन होता है ये बहुत ज़्यादा होता है। सो कटिंग ऑफ ट्रीज एंड डिफॉरेस्टेशन शुड बी प्रिवेंटेड एंड एफर्ट शुड बी मेड टू इंक्रीज द ग्रीन एरियाज। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि सोयल एरोजन को रोकने के लिए पेड़ों को काटना और जंगलों को काटना बंद होना चाहिए, और हमें ये एफर्ट्स करने चाहिए, हमें ये प्रयास करने चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन एरिया बढ़ा सकें। यानी कि जितने ज़्यादा हम प्लांट्स लगाएंगे, जितने ज़्यादा पेड़ और पौधे उगेंगे, उनकी जो रूट्स होंगी वो मिट्टी को होल्ड करके रखेंगे, जिससे कि सॉइल इरोजन नहीं होगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।